देखा था की जो कार्बन है इसकी सिंथिस इंटरमीडिएट्साइकिल और फ्रॉम दी ग्लाइकोसिस और जो अमीनो ग्रुप है ये अलग से एड होता है सिमिलरली जब अमीनो एसिड कैटाबोलाइज होते हैं मीन्स जब ये डिग्रेड होते हैं तो डिग्रेडेशन भी सिमिलरली अमीनो ग्रुप है ये अलग से डिग्रेड होता है और जो इसका कार्बन स्केलेटन है ये अलग से डिग्रेड होता है लेट्स सी हाउ दिस इज अ प्रोटीन एंड प्रोटीन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड्स तो सबसे पहले जो प्रोटीन है ये ब्रेक होता है इनटू डिफरेंट फ्री अमीनो एसिड्स और जो अमीनो एसिड्स हैं एक तो इनमें कार्बन स्केलेटन है और अमीनो ग्रुप है सबसे पहले जो फ्री अमीनो एसिड एक तो इनमें है कार्बन स्केलेटन जो इनका कार्बन स्केलेटन है ये अलग से डिग्रेड होता है और जो अमाइनो ग्रुप है इसकी डिग्रेडेशन डिफरेंट होती है नाउ हमने अमीनो एसिड की सिंथेसिस में देखा था कि अमीनो एसिड्स की टोटल सिक्स फैमिलीज हैं, अकॉर्डिंग टू दी कार्बन स्केलेटन यूज फॉर दी बायोसिंथेसिस अब ये जो कार्बन स्केलेटन है ये या तो किसी टीसीए साइकिल का इंटरमीडिएट होता है जैसे कि ऑक्जेलो एसिटेट अल्फा कीटोग्लूट्रेट या फिर ये ग्लाइकोलिस का इंटरमीडिएट भी हो सकता है जैसे कि ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट और पाइरुवेट तो जिस अमीनो एसिड का जोन सा कार्बन स्केलेटन होगा ये उसी के फॉर्म में अलग हो जाएगा और अमीनो ग्रुप जो है ये सेपरेट हो जाएगा अब यहाँ पे कोई भी चाहे वो टीसीए साइकिल का इंटरमीडिएट है चाहे वो ग्लाइकोलिस का इंटरमीडिएट है ये अल्टीमेटली टी सी साइकिल में एंटर करेगा और टी सी साइकिल में हमें पता है कि टी सी साइकिल में फिर जो हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स बनते हैं विच आर दी एन एंड एफ टू ये आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इनकी फर्दर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन होती है और यहाँ पे ए के सिंथेसिस होती है

तो ये जो अमीनो ग्रुप है ये अमीनो एसिड के सिंथेसिस के दौरान कार्बन स्केलेटन के साथ अटैच होता है इन ऑर्डर टू फॉर्म दी अमीनो एसिड और सेकेंडली जब अमोनियम आइन बॉडी में अकोमुलेट हो जाते हैं तो ये यूरिया साइकिल के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट ओवरव्यू ऑफ अमीनो एसिड डिग्रेडेशन नाउ अब हम देखेंगे कि जो अमाइनो ग्रुप है ये अमीनो एसिड से कैसे रिमूव होता है कौन से इंजाइम्स हेल्प करते हैं जब अमीनो ग्रुप अमाइनो एसिड से रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम तो इसको हम बोलते हैं डीएमाइनेशन नाउ अब हम देखेंगे कि कौन से दो डी एमाइनेशन के इंजाइम्स हैं और कौन सी रिएक्शन हैं दो जो कि डीएमाइनेशन में हेल्प करती हैं। नाउ है अमीनो एसिड नाउरेशन रिएक्शन जितने भी ऑलमोस्ट सभी रिएक्शन होती है एक्सेप्ट थ्रियोनिन एंड इन तीनों को छोड़ के जितने भी अमीनो एसिड हैं सभी में ट्रांसमाइनेशन और अमाइनो ट्रांसपीरेंस रिएक्शन होती है तो जो ट्रांसमाइनेशन रिएक्शन है इसमें सिमिलरली एक अमीनो एसिड है अब इस जो अमीनो एसिड है इससे अमीनो ग्रुप रिमूव होना है तो इसे हम बोलते हैं डोनर अमीनो एसिड और सेकेंडली यहाँ पे एक अल्फा कीटो एसिड है दिस इज द एक्सेप्टर ऑफ अमीनो ग्रुप इसका जो अल्फा कार्बन है ये यह यहाँ से अमीनो ग्रुप को एक्सेप्ट करेगा सो दिस इज द एक्सेप्टर अल्फा कीटो एसिड सो क्या होता है कि ये जो अमाइनो ग्रुप है ये यह यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है ऑन दी अल्फा कार्बन ऑफ अल्फा कीटो एसिड टो तो एसिड तो और जो अल्फा कीटो एसिड है इसकी फर्दर डिग्रेडेशन होती है विदिल एंड ऑक्सीडेटिव पॉसेशन और इसमें एंड में एनर्जी की फॉर्मेशन होती है विच इज इन दी अब ये तो था डोनर अमीनो एसिड Now, acceptor है पे जो है जब ये यहाँ पे एक को accept करता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है अल्फा अमाइनो एसिड में और ये जो अल्फा अमाइनो एसिड है ये अपने अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करता है दूसरे अमाइनो एसिड में ड्यूरिंग दी बायोसि तो दिस इज ऑल अबाउट दाइनेशन रिएक्शन नव सेकेंड इज दाइनेशन रिएक्शन अब हम इससे डिस्कस करेंगे

Now, अब हम देखेंगे कि जो ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वर्ड है ऑक्सीडेटिवेशन हो रही है, की. और secondly, हो रहा है. लेकिन जो अमाइनो ग्रुप है वो यहाँ पे अमोनिया की फॉर्म में डिग्रेड होता है सो दिस इज द्लूटामेट ग्लूटामेट एक अमीनो एसिड है अब इसका जो ये वाला अमाइनो ग्रुप है ये रिमूव होता है इन दम ऑफ अमोनिया With the help of enzyme, glutamate dehydrogenase. और ये reaction होती है इन क्योंकि यहां पे इसके हैं NAD तो ये एक्टिवेटर है एक्टिवेटर की प्रेजेंस में ये इंजाइम जो है अपनी एक्टिविटी को कैटिलाइज करेगा तो अब यहाँ पे जो ग्लूटामेट है जब इससे अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाता है इन फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन तो जो ग्लूटामेट है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द अल्फा कीटो ग्लूट्रेट सो दिस इज ऑल अबाउट द कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड इफ यू फाइंड कंटेंट यूजफुल प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल बायोलॉजी ऑन अर्थ